इस YouTube चैनल पर आज हम लोग मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की जो कार्यपत्रिका है दूरी का सूत्र 11/8/2023 की इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें देखिए कहा गया है बिंदु ए x1, y1 है तथा बिंदु बी x2, y2 है, दोनों के बीच में दूरी और दूरी के सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी के सूत्र की अगर हम बात करते हैं भाई तो याद रखिएगा दूरी का सूत्र होता है x2 - x1² + y2 - y1² और पूरे पर वर्गमूल लगा देना होता है। देखो आपको कहा गया दिए गए चित्र में नवीन का स्थान ए तथा सरिता का स्थान सी बिंदु पर दर्शाया गया है और किसी चित्र द्वारा जो है इसी चित्र इसकी दूरी में दर्शाया गया है बी बिंदु से अधिक। कहने का क्या मतलब है, आप इस बात को समझो, ए पर कोई एक व्यक्ति है, बी पर कोई व्यक्ति है और सी पर कुछ है, आपको इनके बीच की दूरी निकालनी होगी। अब बताने कौन सी अधिक है, ठीक है, ए बी से दूरी किसकी जो होगी अधिक है। तो देखो ए बी नवीन का स्थान जो है 3.6 है, देखो ठीक है, ये देखो 6 पर है यहाँ और 3 ये देखो है, तो 3.6 पर ही नवीन क्या है मिल रहा है। उसी जगह पर सी की दूरी देखो 2.4, 4.2 निकल कर आएगी, है ना, ये देखो सी की दूरी आप देखोगे अगर तो आप देखोगे कितनी निकल कर आ रही है 4.2 और जो बी की दूरी है वो 7.3 है। अब दूरी का फॉर्मूला लगाओ, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी बराबर ए वन, यहाँ क्या हो जाएगा ए वन, देखो हमेशा बड़ी वैल्यू को एक्स वन लेना है वाई वन लेना है, तो एक्स वन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एक्स वन हो गया 7 - 3 हमने लिखा और उसका होल ऑफ स्क्वायर 3 - 6 लिखा, उसका होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया, 7 में से 3 को माइनस करा 4 का होल ऑफ स्क्वायर और 6 में से 3 को माइनस करा तो -3 का होल ऑफ स्क्वायर आया, 16 + 9 आ गया, 16 + 9 25 होता है और ठीक है 25 जो है किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, तो याद रखना ये 25 का वर्ग होता है, ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से बी को निकालेंगे, बी सी को निकालेंगे 7 - 4 + 3 - 2, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, 10 रूट में आ जाएगा जो 3.162 हो जाएगा। आप देखोगे ए बी क्या है बड़ी है तो इसका अंतः नवीन जो है बिंदु बी से अधिक दूर होगा। आप एक बात को समझो, जब दोनों बिंदु ही निर्देशांक पर स्थित हों तो उनका जो है निर्देशांक शून्य होता है, अंतः उनके बीच की दूरी जो है अन्य दो निर्देशांक का अंतर होता है ना। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे 0.3 दे रखा है और 0.6 दे रखा है, तो यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 6 - 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया 6 - 3 हो जाएगी। अब आओ जैसे मान लो दो बिंदु के बीच की दूरी 0.3 और 0.6 है, इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना है तो याद रखना 0 - c² - c, ठीक है, -c - 0² हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखो -c² + -c² हो जाएगा, c² 2c² तो इकाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इकाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, इकाई की वैल्यू यहाँ हो जाएगी c√2 का इकाई, है ना, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी c√2। अब आप मेरी बात को समझोगे आगे, यदि कोई बिंदु मूल हो, मूल बिंदु पर हो, ठीक है, तो मूल बिंदु पर क्या हो जाएगा 0.0 और p, xy, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमेशा सूत्र निकल कर आता है x² + y² क्या निकल कर आता है x² + y² चलिए आइए आगे चलते हैं। देखो भाई ये वाला सिस्टम, अब हमें क्या करना है, बिंदु ए जो है 3.0 है, बिंदु बी जो है वो जो है 0.-3 है, दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका हो जाएगा रूट में x2 - x1² + y2 - y1² x2 यहाँ पर क्या है, x2 है माइनस का 3 मैंने लिख दिया है,
थ्री माइनस ज़ीरो का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो माइनस माइनस प्लस थ्री का होल ऑफ स्क्वायर, कितना हो जाएगा नाइन रूट में और प्लस नाइन बराबर कितना हो गया रूट का 18, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।